हाय, मेरी बेबी अब 2 साल की हो गई है और इन 2 साल के दौरान मैंने ऑलमोस्ट सभी डायपर्स को ट्राई किया है। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 अफोर्डेबल डायपर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको पर पीस 15 रुपए के अंदर ही मिल जाएंगे। दोस्तों, जो भी डायपर मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड करे हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो 5वें नंबर पे मैंने हिमालया टर्टल केयर बेबी पैंट्स को रखा है। ये डायपर देखने में ब्रॉड लगते हैं लेकिन इनकी फिट बहुत अच्छी है। इसका जो वेस्ट बैंड है वो मुझे ठीक ठीक लगा। इसकी फिट अच्छी आती है, ये काफ़ी इलास्टिक भी है और इससे बच्चे की वेस्ट के अराउंड निशान भी नहीं पड़ते। इस डायपर की एब्जॉर्बिलिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने डायपर की एब्जॉर्बिलिटी पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका फिट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये रीजनेबली प्राइज्ड है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो इसका मटेरियल अंदर से सॉफ्ट है और जिगजैग है, जिसमें एब्जॉर्बेंसी काफ़ी अच्छी होती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एलोवेरा और यशद भस्म पड़ा हुआ है, जिससे बच्चे को डायपर रैश नहीं होता। ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन 15 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो 4th पोजीशन पे मैंने लवलैप सुप्रीम पैन डायपर्स को रखा है। ये डायपर मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायपर्स में से एक है। ये देखने में तो काफ़ी थिन लगते हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है। इसकी बेल्ट बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक है, जिससे बच्चे की वेस्ट के अराउंड कोई निशान नहीं पड़ता। अगर आप इसका मटेरियल टच करके देखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट है। आप अगर इसे अंदर से देखेंगे तो अंदर से ये काफ़ी क्रिसक्रॉस सा है, जिससे एब्जॉर्बेंसी इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। मैंने लंबे समय तक अपने बेबी को ये डायपर पहनाया है और मुझे इसमें कभी भी डायपर रैश की कोई शिकायत नहीं मिली। इसमें यह वेटनेस इंडिकेटर भी है जो जनरली प्रीमियम डायपर्स में होता है। इस डायपर की MRP थोड़ी ज़्यादा है बट ये मोस्टली Amazon पे 50% डिस्काउंट में मिल जाता है। इसका पर पीस आपको बड़े आराम से 15 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 3rd पोजीशन पे मैंने हगीज़ कंप्लीट कंफर्ट वंडर पैंट्स को रखा है। ये तो आप सब जानते हैं कि हगीज़ के डायपर बहुत ही फेमस हैं। ये डायपर मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी फिटिंग की तो मैं फ़ैन हूँ। ये आपके पतले, चबी, लंबे या छोटे सभी तरह के बच्चों पे बहुत अच्छे से फिट आते हैं। इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, ये लाइट वेट है और इसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी है। आप आराम से इसे अपने बच्चे को रात में पहना सकते हैं। आप अगर इसका अंदर का मटेरियल देखेंगे तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसकी फिट काफ़ी अच्छी है और इसका जो मटेरियल है वो ब्रीदेबल है, जिससे हमारे बच्चे की स्किन आराम से सांस ले पाती है और ड्राई रहती है। ये डायपर आपको बहुत ही आराम से 15 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा और ये बहुत ही वाइडली ओवर द काउंटर और ऑनलाइन अवेलेबल है। 2nd पोजीशन पे मैंने पैम्पर्स ऑल राउंड प्रोटेक्शन पैंट्स को रखा है। अगर आप इस डायपर को देखेंगे तो ये बहुत ही छोटे और थिन से लगते हैं लेकिन इनके एब्जॉर्बेंसी लाजवाब है। इस डायपर का वेट बहुत ही कम है। अगर आप रात में अपने बच्चे को पहनाने के लिए एक अच्छा डायपर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है। इसमें एलोवेरा भी है, जिससे बच्चे को रैश नहीं होता। मैंने ये डायपर लंबे समय तक यूज़ किया है और मैं ये कह सकती हूँ कि इनका क्लेम सही है। इससे आज तक मेरे बेबी को कोई भी डायपर रैश नहीं हुआ है। इसकी बेल्ट क्विल्टेड काफ़ी सॉफ्ट और इलास्टिक है, ये बहुत ही अच्छे से बेबी को फिट आते हैं। मुझे ये डायपर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये डायपर आपको बहुत ही आराम से 15 रुपए के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, एक न्यू पेरेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट होते हैं। आपकी इसी पेरेंटिंग जर्नी को थोड़ा इजी और इंजॉयबल बनाने के लिए मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे यूज़फुल वीडियोस मिस ना करें। तो दोस्तों, हमारी टॉप 5 अफोर्डेबल डायपर्स का विनर है मैमी पोको पैंट एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब बेबी डायपर।
ये डायपर बहुत सारी ममास का फेवरेट है। मैंने अभी तक जितने भी डायपर डिस्कस किए हैं उन सब में इस डायपर का मटेरियल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसकी बेल्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बच्चे की वेस्ट के अराउंड कोई निशान भी नहीं बनने देती। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अफोर्डेबल हाई क्वालिटी डायपर की खोज में हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ये डायपर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस डायपर का एब्जॉर्बेंसी टेस्ट तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ और इसका ओवरऑल मटेरियल बहुत ही अच्छा है। इस डायपर में कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ है जिससे हमारे बच्चे को डायपर रैश नहीं होता और ये डायपर आपको दुकानों पे या ऑनलाइन 15 रुपए के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इन सभी डायपर्स को लेने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो आप उसे वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टॉप 5 अफोर्डेबल डायपर्स के बारे में बात की है। अगर आप अपने बेबी के लिए थोड़ी और अच्छी क्वालिटी में मिड रेंज प्रीमियम डायपर्स लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक पे मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ, प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि इन 5 में से आपके फेवरेट डायपर कौन से हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।